हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ स्टफ इडली, वो भी पत्ते पर। तो उसके लिए मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिए और थोड़ी सी ये कड़ी पत्ता डाली, जीरा डाला तो तेल में, और ये थोड़ा पका, ज़्यादा नहीं पकाना है हम लोग को कुछ भी चीज़ें, अच्छे से बस फास्ट गैस पे ही फ्राई करनी है फटाफट से। और फिर टमाटर डालूँगी, फिर सब मसाले डालूँगी और उसके बाद मैं शिमला मिर्ची डालूँगी, क्योंकि पहले डालेंगे तो बहुत पक जाएगी, तो हमें पकानी नहीं है, थोड़ी सी बाद में ये सब मसाला भून जाएगा उसके बाद टमाटर डालेंगे और फिर शिमला मिर्ची डालूँगी, वही घर के मसाले, हल्दी, नून, मिर्च। और फिर मैंने डाले ये पाव भाजी मसाला डाला है थोड़ा सा, उससे क्या थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। अभी मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाल दिया और फिर डाल दूंगी शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को बस 2 मिनट ऐसे ही सोते करनी है, ढक के 5 मिनट नहीं पकाना है, 2 ही मिनट पकाना है। और उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ी सी ये अपनी सॉस होती है ना घर की, टमाटो सॉस, वो डाली है मैंने। इससे क्या अच्छा फ्लेवर आता है सॉस से और पाव भाजी मसाले से। और फिर मैंने उसमें कोथमीर डाल दिया और अभी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने केले का पत्ता लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया और अब जो हमने सब्जी बनाई थी ना वो उसके ऊपर डाल दी। और अगर आपको अंदर चीज़ चाहिए तो आप पहले मसाले के ऊपर चीज़ डाल सकते हो, फिर बटर डाल सकते हो। तो मैं कैसे बनाई है, मैंने ऐसे बनाया, आप देख लेना। तो अभी मैंने इडली स्टफ करके इसमें रख दिए पत्ते के ऊपर, अभी थोड़ा सा 5 मिनट ये पक गई तो उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला और डाला और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ ग्रेट की। बच्चों को चीज़ पसंद है, उनको खाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा बटर भी डाला है। बटर से क्या एकदम इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है, बहुत मस्त स्वाद आता है इसका। और अभी मैंने डाल दी चीज़, अभी 5 मिनट और पकाएंगे। और साथ में बना रही हूँ मैं मेंदू वड़े, तो आज यही साउथ इंडियन ही खाना था, मतलब डिनर में यही खाया था हम लोगों ने, बहुत अच्छा बना था। और 2 चटनी मेरी बेटी ने पहले ही बना ली, एक लाल वाली और एक हरी वाली, और ये बन गई है हमारी इडली और ये हमारी लग गई यम्मी वाली प्लेट। आ जाओ दोस्तों, किस किस को साउथ इंडियन खाना पसंद है, मेरे घर के लोगों को तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और चटनी तो एक नंबर की बनाई थी मेरी लक्ष्मी ने, बहुत मस्त बनाती है वो चटनियाँ। और ये मेंदू बड़े और ये इडली मैंने बना दी, इजी से बन जाता है, कुछ ऐसा ज़्यादा तामझाम नहीं। और मैंने मेंदू बड़े का आटा घर पे ही लगाया था, बाहर से नहीं लाया, सुबह ही दाल भिगो दी थी और फिर 2-4 घंटे बाद पीस के रख दी, तो अच्छा बन गया और बहुत मस्त बनी थी इडली, यम्मी वाली। बाय बाय दोस्तों।